हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज की। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच और जो पूरी सीरीज है वो खत्म हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेटों से अपने नाम किया है और साथ ही साथ 22 साल बाद सीरीज जो है इंग्लैंड में जीती है। इससे पहले 1999 में 2-1 से जो है इंग्लैंड को मात दी थी इंग्लैंड में। अब जो मौका आया है वो दिखाता है कि इस न्यूजीलैंड की टीम में जो दमखम है, क्या WTC फाइनल में जो मोमेंटम का एक बहुत बड़ा रोल होता है वो इस सीरीज़ के वजह से कहेंगे तय करेगा न्यूजीलैंड के लिए। जो इंडिया के खिलाफ उन्हें मैच, फाइनल नॉकआउट मैच खेलना है 18 जून से, तमाम पहलू पे बात करेंगे कि किस तरीके से न्यूजीलैंड जो है मैच जीता, इंग्लैंड किस तरीके से मैच हारा, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म इस वक्त इंग्लैंड को भी झेलना पड़ रहा है। उनके जो टैक्टिक्स रहे हैं, उनके जो सेलेक्शंस रहे हैं, अप्रोच रही है क्रिकेट को लेके बीते कुछ 8-10 दिनों में अगर हम बात करें दोनों टेस्ट मैचेस को मिला के। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कैसे होती है टेस्ट मैच की, इंग्लैंड किस तरीके से शुरुआत करता है, न्यूजीलैंड किस तरीके से जवाब देता है, और उसके बाद जो मैच जो है 3.5 दिन से भी कम के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो साफ सी बात है कि एक टीम ने डोमिनेट किया है, वो जो कि थी न्यूजीलैंड। और सबसे पहले बताते हैं हमको कि न्यूजीलैंड, माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड ने जो है शुरुआत करी, पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 303 रन जो है बोर्ड पे लगाए। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि पुछल्ले बल्लेबाजों ने जो है एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है 300 पार चला गया। लॉरेंस ने 81 रन बनाए, वहीं पर मार्कवुड ने भी जो 41 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी खेली। इसके बाद न्यूजीलैंड ने जो है अपनी बल्लेबाजी करी और उन्होंने भी खूब स्कोर लगाया, 388 रन उन्होंने भी बोर्ड पे लगाए, जिसके अंदर 80-80 के स्कोर जो थे वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिले न्यूजीलैंड की तरफ से। इनफैक्ट इस पूरे मैच में अगर हम बात करें, लॉरेंस ने जहां इंग्लैंड के लिए कुछ 81 रन बनाए, वहीं डेविन कॉनवे, रॉस टेलर और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे सीरीज़ का विल यंग ने भी जो है 80 रनों की पारी खेली। तो इस पूरे मैच में अच्छा खासा पेस चल रहा था, मैच जो था इवनली पॉइज्ड था। आप ये नहीं कह सकते कि एक टीम ज़्यादा हावी चल रही थी। 85 रनों की जो लीड होती है वो अच्छी खासी होती है, लेकिन इंग्लैंड भी अगर अच्छी शुरुआत कर देता तो वो मैच में वापस आ सकता था। लेकिन इसका जवाब में इंग्लैंड जो थी बिल्कुल ही, आप ये कह सकते हैं, डिज़ास्टर स्टार्ट उनको मिला। 76 रन पे 7 विकेट उनके आउट हो चुके थे। ऐसे में किस जो हद तक जो है इंग्लैंड वापसी कर पाता, और इंग्लैंड जो है 122 रनों पे मात्र सिमट गया और 38 रनों का लक्ष्य मात्र जो है न्यूजीलैंड को मिला, जो कि उन्होंने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में खेलते हुए लगा ही नहीं कि ये इंग्लैंड की तरह खेल रहा है, क्योंकि अक्सर बात होती है कि अपने घर में तो जो है इस वक्त हर कोई टीम शेर है, लेकिन ये जो साल रहा है इसके अंदर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भारत ने हराया और इंग्लैंड को इंग्लैंड में न्यूजीलैंड ने हराया। तो ये साल जो है काफ़ी प्रोडक्टिव फील हो रहा है, और जो विपक्षी टीम्स हैं जो कि मेहमान टीम है उनके लिए, फ़िलहाल इंग्लैंड जो है मैच हार चुका है और कड़ी निंदा इस वक्त उनकी हो रही है कि क्या जो स्टार खिलाड़ियों को रेस्ट कर रहे हैं, रोटेशन पॉलिसी को लेके लगातार नासिर हुसैन ने भी जो है आड़े हाथों लिया है पूरी टीम को, क्या इंग्लैंड जो है वापसी कर पाएगा। अब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ उन्हें जो है भारत के खिलाफ खेलनी है। टेस्ट मैचेस की अगर बात करूँ, उससे पहले श्रीलंका जो है इंग्लैंड जाएगी, जहाँ पे T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ खेलेगी। पर फिलहाल तो ये है कि न्यूजीलैंड के जो होप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक मोमेंटम की जब हम बात कर रहे थे कि ये जो 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के लिए रहने वाले हैं, बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, ऐसे में अब जो है ये साफ हो गया है कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से यहाँ से मोमेंटम लेके अब जो है साउथैम्पटन जाएगा, 15 जून को जो है टीम जाएगी, तो जो उनके एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मोमेंटम उनके साथ अभी है, आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो है इस वक्त कहीं ना कहीं फेवरेट है। हालांकि इंडियन टीम भी जो है इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल रही है, लेकिन जब आप मैच में खेल के आते हैं और आप जीत के आते हैं, ऐसे में न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत इस वक्त आप उनको जो है एज देना चाहेंगे। लेकिन इंडियन टीम ने जिस तरीके से वापसी करी है मैचेस में बीते कुछ 1-2 सालों में, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना पिंक बॉल टेस्ट मैच के बाद,
और 2-1 से सीरीज जीतते हैं, उसके बाद इंग्लैंड जो है पहला टेस्ट मैच हमें इंडिया में हरा देता है चेन्नई में, फिर 3-1 से सीरीज अपने नाम करना, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है भारतीय टीम मशहूर है। अब देखते हैं कि कैसा कॉन्टेस्ट जो है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में नज़र आएगा 18 जून। जी हाँ, लिख लीजिए ये तारीख आप, अब तो खैर सबके जहन में आ ही चुकी होगी, 18 जून की तारीख है, दिन जो है रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। उम्मीद करेंगे कि शानदार जो है मुकाबला देखने को मिले। खैर इस मुकाबले की अगर हम बात करें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, ये तो खैर एक तरफा हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत के साथ जब मैच होगा तो वो कांटेदार होगा, शानदार होगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए।